दर्शकों नमस्कार, सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। आज की हलचलों के साथ मैं सुनील शर्मा। आइए पहले नजर डालें आज की प्रमुख हलचलों पर। लक्ष्मीगंज में नगरपालिका के अमले ने पुलिस के सहयोग से 8 ठेलों का अतिक्रमण हटाया। अनेक लोगों के तराजू और बांट भी जब्त किए। आज स्कूली छात्रों ने पुलिस द्वारा दी गई विशेष गणवेश में हनुमान चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल के नियमों का पालन करवाने में यातायात पुलिस को सहयोग प्रदान किया। नगर में लगे होर्डिंग के विवाद पर नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र सलूजा ने गुना विधायक के आरोपों को पूरी तरह नकारा। रोटरी क्लब के तत्वावधान में निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन रोटरी भवन में किया गया। रोगियों को चश्मे और दवाएं भी वितरित की गयी। पिछले दिनों दलवी कॉलोनी में हुई लाखों की चोरी के वांछित अपराधियों के पोस्टर शहर में जगह जगह लगाए गए। गुना पुलिस ने 25 सालों से फरार कुख्यात अपराधी को बूढ़े बालाजी क्षेत्र से गिरफ्तार किया। खटीक मोहल्ले में नगरपालिका कर्मियों की लापरवाही से दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। पत्थर हटाकर गड्ढे को खुला छोड़ने से नागरिक हैं परेशान। श्रावण मास में मधुसूदनगढ़ क्षेत्र स्थित धार्मिक स्थल खामखेड़ा श्रद्धालुओं का केंद्र बना हुआ है। ग्राम बिनाखेड़ी में वासुदेव वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित करके मित्रता दिवस मनाया गया। आगामी 13 अगस्त को आरोन से सिरोंज विश्वनाथ धाम तक विशाल कावड़ यात्रा निकाली जाएगी। कावड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक संपन्न हुई। गुना और उसके आसपास अभी भी दौड़ रहे हैं ओवरलोड वाहन। यात्री जान जोखिम में डालकर सफर पूरा करते हैं अपना। आज यातायात पुलिस ने अवैध रूप से ले जा रहे पशुओं के आरोप में चालान किया। प्रदेश प्रभारी की उपस्थिति में भारतीय जनता युवा मोर्चा की एक विशेष बैठक संपन्न हुई, जिसमें संगठनात्मक मामलों पर चर्चा की गई। आरोन थाना क्षेत्र के ग्राम सिरसी निवासी लापता गीताबाई की सूचना देने वाले को पुलिस प्रशासन ने 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा की। बजरंगढ़ थाना पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 5 अपराधियों को गिरफ्तार करके बड़ी सफलता पाई। अब बात करते हैं हलचलों की विस्तार से। आज नगरपालिका के अमले ने लक्ष्मीगंज क्षेत्र में 8 ठेलों के अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। यह कार्रवाई उन्होंने पुलिस के सहयोग से की और तमाम 8 ठेलों को हटा दिया। अनेक बार प्रयास करने के बाद भी देखने में यह आता है कि बार बार 8 ठेले जिनमें फल और सब्जी वाले अधिक होते हैं वो जगह को घेर लेते हैं। इस कार्रवाई के दौरान आज अनेक दुकानदारों के तराजू और बांट भी जब्त कर लिए गए। कार्रवाई के संदर्भ की जा रही है नगर पालिका और पुलिस प्रशासन द्वारा और ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो लक्ष्मीगंज में ठेले लगते हैं दुकानदारों के लिए भी समझाइश दी गई है और ठेले वालों के तराजू जब्त किए गए हैं और चालानी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जिससे आवागमन अवरुद्ध होता है, ट्रैफिक का जाम लगता है। हॉस्पिटल का मेन एरिया है ये, पूरा चारों तरफ से एम्बुलेंसें आती हैं, अस्पताल के लिए पब्लिक जाती है, इसके लिए काफ़ी दिक्कत आती है लोगों के लिए चलने फिरने में, स्कूल बच्चों के लिए। इसलिए ये अतिक्रमण यहाँ से हटवाया गया, रोड के लिए खाली कराया गया पुलिस के सहयोग से नगर पालिका द्वारा। आज हनुमान चौराहे पर स्कूली बच्चों ने एक अनुकरणीय पहल की। उन्होंने यातायात पुलिस को सहयोग प्रदान किया और पुलिस द्वारा दी गई विशेष गणवेश में सिग्नल के नियमों का पालन सभी आने जाने वाले लोगों से करवाया। इस दौरान सूबेदार मोनिका जैन ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई से लोगों में जागरूकता आती है और वे यातायात के नियमों के प्रति जागरूक होते हैं। इसके बारे में
ये अभी हमारे साथ 12th क्लास के छोटे छोटे बच्चे आए हैं जो लोगों को ट्रैफिक के विषय में अवेयर करना चाहते हैं, खासतौर से ट्रैफिक सिग्नल का यूज़ कैसे करना है उसके विषय में अवेयर करना चाहते हैं। इसमें ये बच्चे लोगों को बताते हैं कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पीछे खड़े होना है, लेफ्ट साइड नॉर्मली खुला रहता है तो लोगों के लिए जगह नहीं रहती, लेफ्ट साइड सारा भर देते आगे, तो बच्चे बताते हैं कि आप पीछे खड़े होइए जिससे लेफ्ट साइड से लोग निकल सकें। तो ये बच्चे सारा काम नॉर्मल पब्लिक के लिए कर रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चे हैं जो अपना टाइम देते हैं, शाम को आते हैं, आज छुट्टी का दिन है तो दिन में आए हैं। क्या नाम है? मोनिका जैन, सूबेदार मोनिका। पिछले कुछ दिनों से नगरपालिका के अध्यक्ष राजेंद्र सलूजा और गुना के विधायक पन्ना लाल शाक के बीच नगर में लगे होर्डिंगों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस मामले में नगरपालिका अध्यक्ष सलूजा ने गुना विधायक पन्ना लाल शाक के आरोपों को पूरी तरह से नकारते हुए कहा है कि ये होर्डिंग आने वाली 12 अगस्त को मुख्यमंत्री की आशीर्वाद यात्रा के संदर्भ में लगाए गए हैं और इन होर्डिंग पर गुना विधायक जी के खुद भी चित्र और नाम उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस या किसी विरोधी पार्टी के होर्डिंग नहीं लगाए गए हैं और गुना विधायक को इस तरह की आपत्ति नहीं करना चाहिए। मीटिंग में विधायक जी ने कहा था कि अध्यक्ष जी ने पूरे शहर में होर्डिंग्स लगा दिए, हम कहाँ लगाएं, क्या है? मेरे तो जानकारी में नहीं है हमारे माननीय विधायक जी ने क्या कहा है, आप बता रहे हैं कि विधायक जी ने किससे कहा है? कलेक्टर साहब से कल मीटिंग में कहा था। मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं उस मीटिंग में नहीं था, मुझे मीटिंग में बुलाया था लेकिन मैं नहीं था मीटिंग में, मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया। और माननीय विधायक जी ने होर्डिंग के मामले में विषय लिया है तो माननीय जितने होर्डिंग लगे कार्यकर्ताओं ने लगाए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की जन आशीर्वाद यात्रा 12 तारीख को गुना में प्रवेश कर रही है, शहर में सजाने का काम हमारे कार्यकर्ताओं का हो, कार्यकर्ताओं से हम नेता हैं, कार्यकर्ता अपना काम कर रहे हैं और जो होर्डिंग लगे उन सब में माननीय विधायक जी का फोटो भी है और माननीय विधायक जी को मुझे नहीं लगता कि ऐसे बोलना चाहिए कलेक्टर साहब से, अगर बात भी करना है तो पार्टी फोरम पे करना चाहिए, जिला प्रशासन क्यों हस्तक्षेप करेगा कि होर्डिंग किसके कहाँ लग रहे हैं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा का स्वागत के लिए कार्यकर्ता काम पे लगाए और खून पसीना एक करके कार्यकर्ता 24 घंटे काम पे लगाए होर्डिंग लगा रहा है, तो माननीय विधायक जी को कोई तकलीफ है होर्डिंग से तो हमने किसी कांग्रेस के तो होर्डिंग लगाए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विधायक जी हैं, तो आपको कहीं कांग्रेस का तो होर्डिंग नजर नहीं आया कहीं? मैं आज से भी पूछ रहा हूँ, आपने किसी कांग्रेसी के फोटो तो नहीं देखे होर्डिंग पे? माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, माननीय हमारे नेता नरेंद्र सिंह जी तोमर, माननीय प्रभात जी, प्रभारी मंत्री जी, हमारी नगरीय निकाय मंत्री माया सिंह जी, हमारे दोनों विधायक माननीय ममता बहन, अशोकनगर विधायक माननीय गोपीलाल जी, हमने सबके फोटो लगाए, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता अपने होर्डिंग लगा रहा है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि विधायक जी को कोई ऐतराज़ करना चाहिए और पूरा एबी रोड खाली पड़ा है अभी और एबी रोड पे कहीं भी लगा लें वो, ये तो छोटी मोटी बातें हैं और कोई भी विषय है तो पार्टी फोरम पे उठाना चाहिए। स्वर्गीय विनोद तिवारी की स्मृति में रोटरी क्लब के तत्वावधान में एक विशाल नेत्र जाँच शिविर का आयोजन रोटरी भवन में किया गया। इस दौरान अनेक रोगियों की जाँच की गई और 45 रोगियों को चिन्हित किया गया। सदगुरु सेवा ट्रस्ट लटेरी के पास इन रोगियों को भेजा जाएगा और मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए जाएंगे। इस दौरान संगठन के अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे और रोगियों को चश्मे और दवाएं भी वितरित की गईं। पिछली मंगलवार को दलवी कॉलोनी में गुना के ठेकेदार अरविंद गुप्ता के घर लाखों की चोरी हो गई थी और पुलिस चोरों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। इसी क्रम में वांछित अपराधियों के पोस्टर शहर में जगह जगह लगा दिए गए हैं ताकि पुलिस को इस दिशा में कार्रवाई करने में सुविधा हो और अपराधी शीघ्र पकड़े जाएं। गुना पुलिस को एक बड़ी सफलता पिछले दिनों मिली जहां उन्होंने 25 साल से फरार एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। इस अपराधी को बूढ़े बालाजी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है और इसका नाम अलाउद्दीन तकोजी बताया जाता है। अनेक गंभीर धाराओं में इसकी तलाश पुलिस को थी और लंबे समय से ये फरार चल रहा था। थाना कोतवाली जिला गुना का जो पूर्व का HS है अलाउद्दीन तपोजी, इसको गिरफ्तार किया है। ये 25 साल से फरार चल रहा था, इस पर 4-5 वारंटे स्थाई, उसमें आज बूढ़े बालाजी से प्रधान आरक्षक प्रदीप शर्मा और हमारा सैनिक ने दोनों ने मुखबिरी लगाकर इसको गिरफ्तार किया है। सर किस मामले में?
ये कुछ 307 में भी था, 25 में भी है, 25 बी में है और कई प्रकरणों में ये बॉन्डेड। अनेक बार नगरपालिका के हमले द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन ये कार्रवाई कई बार नागरिकों की परेशानी का सबब बन जाती है। खटीक मोहल्ले में एक नाले के ऊपर से पत्थर हटाने से वहाँ ये स्थिति निर्मित हो गई है कि नागरिक परेशान हो रहे हैं और दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। नागरिकों ने बताया कि इन पत्थरों को हटाकर वापस उनके स्थान पर नहीं रखा गया। इस गड्ढे को नगर पालिका के लोग आए थे, बरसात में पानी भर गया था तो ये गड्ढे में काफी पानी हो गया था तो फोन लगाया था नगर पालिका से आए थे। मधुसूदनगढ़ क्षेत्र में खामखेड़ा एक धार्मिक स्थान है, यहाँ पर श्रावण मास में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बनी हुई है। अनेक लोग झंडा यात्रा के साथ यहाँ पहुँचते हैं और अपनी भक्ति भावना प्रदर्शित करते हैं। इस दौरान तमाम जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी इस कार्य में मिल रहा है। आज जो पैदल ये यात्रा निकल रही है ये कहाँ आ रही है? अच्छा, लगभग इसमें कितने लोग शामिल है और कहाँ से जा रही है? कम से कम 300 के लिए जाना है। अच्छा, मधुसूदनगढ़ से? हाँ, मधुसूदनगढ़ 5 बार से यात्रा है। सभी लोग अपने अपने भगवान सावन का जो महा चल रहा है उसमें पूजा पाठ नित्य यात्रा करते हैं। ये 6 वर्ष है और मैं भी और सबको बधाई हो और आपको भी बधाई कि आप हमारे यहाँ आए और सभी बच्चों का हर्षवर्धन किया। इसके लिए आपको मीडिया की मेरी तरफ से और समस्त नागरिक तरफ से आपका भी धन्यवाद। आज मित्रता दिवस है जिसे फ्रेंडशिप डे भी कहा जाता है। इस दौरान अनेक संस्थाओं ने अपने अपने ढंग से इसको मनाया। गुना के पास ग्राम विनायक खेड़ी में वासुदेव वेलफेयर सोसाइटी ने पौधरोपण करके मित्रता दिवस संपन्न किया। इस दौरान सोसाइटी के अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। यातायात पुलिस की तमाम कार्रवाइयों के बाद भी गुना और उसके आसपास अभी भी ओवरलोड वाहन दौड़ते रहते हैं। इनमें यात्री जान जोखिम में डालकर सफ़र करते हैं और निश्चित रूप से ये स्थिति खतरनाक है। कैमरामैन जो कि सिटी चैनल के हैं अनेक जगह पर जाकर इस तरह की घटनाओं को कैद करते हैं। प्रदेश प्रभारी की उपस्थिति में भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें संगठन की गतिविधियों पर विचार विमर्श हुआ। कोषाध्यक्ष चंद्रप्रकाश ने बताया कि आने वाले चुनावों को देखते हुए इस तरह की गतिविधियाँ जारी रहेंगी और संगठनात्मक गतिविधियाँ बढ़ाई जाएंगी। आज जो बैठक रखी थी किस संदर्भ में रखी? संगठनात्मक प्रवास है, हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य और भारतीय जनता युवा मोर्चे के मध्य प्रदेश के प्रभारी का संगठनात्मक प्रवास था। संगठन की दृष्टि से मोर्चा क्या क्या काम पिछले उसमें किए हैं और आगामी क्या चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं मोर्चे इसी संदर्भ में। क्या नाम है? चंद्रप्रकाश मिश्रा, प्रदेश का कोषाध्यक्ष हूँ और ग्वालियर संभाग का संगठनात्मक दृष्टि से प्रभारी। आज जैस्तम चौराहे पर ओवर लोडिंग वाहनों के चालान काटे गए और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अनेक लोगों के चालान काटे। मेरा नाम बबलू। कहाँ से आ रहे थे आप? मंडी से। कहाँ जा रहे हो? घुमराह। अभी आपकी गाड़ी रोकी, क्या कारण से रोकी? बच्चा बैठा रखो। बच्चा बैठा रखो जिसका पकड़ के बैठा था। अच्छा, तो क्या बोल रहे हैं वो? क्या जुर्माना मांग रहे हैं? 3000 रुपये। अच्छा, तुमने पूछा हुआ ना किस चीज़ को लेके? वो चीज़ का कोई उद्देश्य नहीं। उसने कोई जवाब नहीं दिया, उसकी तो रसीद ही कटेगी। तो दर्शकों, आज की हलचलों में बस इतना ही। आइए चलते चलते नजर डालें एक बार फिर से आज की प्रमुख हलचलों पर। लक्ष्मीगंज में नगरपालिका के अमले ने पुलिस के सहयोग से 8 ठेलों का अतिक्रमण हटाया। अनेक लोगों के तराजू और बांट भी जब्त किए। आज स्कूली छात्रों ने पुलिस द्वारा दी गई विशेष गणवेश में हनुमान चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल के नियमों का पालन करवाने में यातायात पुलिस को सहयोग प्रदान किया। नगर में लगे होर्डिंग के विवाद पर नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र सलूजा ने गुना विधायक के आरोपों को पूरी तरह नकारा।
रोटरी क्लब के तत्वावधान में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन रोटरी भवन में किया गया। रोगियों को चश्मे और दवाएं भी वितरित की गयी। पिछले दिनों दलवी कॉलोनी में हुई लाखों की चोरी के वांछित अपराधियों के पोस्टर शहर में जगह जगह लगाए गए। गुना पुलिस ने 25 सालों से फरार कुख्यात अपराधी को बूढ़े बालाजी क्षेत्र से गिरफ्तार किया। खटीक मोहल्ले में नगरपालिका कर्मियों की लापरवाही से दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। पत्थर हटाकर गड्ढे को खुला छोड़ने से नागरिक हैं परेशान। श्रावण मास में मधुसूदनगढ़ क्षेत्र स्थित धार्मिक स्थल खामखेड़ा श्रद्धालुओं का केंद्र बना हुआ है। ग्राम बिनाखेड़ी में वासुदेव वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित करके मित्रता दिवस मनाया गया। आगामी 13 अगस्त को आरोन से सिरोंज विश्वनाथ धाम तक विशाल कावड़ यात्रा निकाली जाएगी। कावड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक सम्पन्न हुई। गुना और उसके आसपास अभी भी दौड़ रहे हैं ओवरलोड वाहन। यात्री जान जोखिम में डालकर सफर पूरा करते हैं अपना। आज यातायात पुलिस ने अवैध रूप से ले जा रहे पशुओं के आरोप में चालान किया। प्रदेश प्रभारी की उपस्थिति में भारतीय जनता युवा मोर्चा की एक विशेष बैठक संपन्न हुई, जिसमें संगठनात्मक मामलों पर चर्चा की गई। आरोन थाना क्षेत्र के ग्राम सिरसी निवासी लापता गीताबाई की सूचना देने वाले को पुलिस प्रशासन ने 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा की। बजरंगढ़ थाना पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 5 अपराधियों को गिरफ्तार करके बड़ी सफलता पाई। कल कुछ और हलचलों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, लेकिन फिलहाल आपको ले चलते हैं हमारे सहयोगी एडिटर कैलाश कुशवाहा, हरीश कुशवाहा, विनोद कुशवाहा और पवन कुशवाहा के साथ बिजनेस प्लस की दुनिया में।